पूज्य संतगण, इतिहास साक्षी है कि जब जब जहां जहां गुलामी आई, वहां सबसे पहले उस समाज की असली ताकत पर चोट की गई, उसके चेतना तत्व को तहस नहस करने का प्रयास हुआ, उसके चैतन्य को नष्ट करने के लिए उससे जुड़े सभी मानबिंदुओं को खत्म करना ये प्रवृत्ति रही। भारत को गुलाम बनाने वालों ने भी हमारी असली ताकत, ज्ञान, ध्यान, योग, आयुर्वेद, ऐसी कई महत्वपूर्ण परंपराएं थी, उसी पर हमला बोला था और इसका देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब समय बदल रहा है और भारत भी बदल रहा है। ये भारत की आजादी का अमृत काल है। आज हम सभी भारतीय जो भी फैसले लेंगे, जो भी काम करेंगे, वो आने वाली सदियों का भविष्य निर्धारित करेंगे। और इसीलिए मैंने लाल किले से पंच प्राणों का आह्वान किया था। अमृत काल के ये पंच प्राण है विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और अपने अपने कर्तव्य का पालन। आप भी हमारी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाकर समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। और समृद्धि सिर्फ धन दौलत से ही नहीं आती, बल्कि इसमें सांस्कृतिक उत्थान का भी उतना ही महत्व होता है। आज भारत आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक हर प्रकार से पुनर्जागरण के दौर में प्रवेश कर रहा है। बीते 10 वर्षों में हमने हर प्रकार से अपनी सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने का प्रयास किया है। योग हो, आयुर्वेद हो, आज पूरे विश्व में भारत के ज्ञान भंडार की व्यापक चर्चा हो रही है। भारत के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी घोषित किया है। अब समय आ गया है कि हम अपनी इस विरासत को एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाएं और इसमें श्री रामचंद्र मिशन और उससे जुड़े साधकों की, आप सब की बहुत बड़ी भूमिका है।